ऑल इंडिया साइकिल ट्रैवल के दौरान जब मैं पहुंचा था अपने 28वें राज्य उत्तराखंड में, तब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग करेंगे चार धाम की यात्रा बाय हिचहाइकिंग। हेलो नाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग को इस नए वीडियो में। मेरा नाम है हिम्मत रीगल और हम लोग हिचहाइकिंग करके जा रहे हैं चार धाम यात्रा में। और हम लोग अभी हैं देहरादून। वैसे देहरादून में हम लोगों ने अपना सब साइकिल का जो भी सामान था या साइकिल सब हमने अपनी दीदी के घर पे रख चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं बैग पकड़ के हिचहाइकिंग के लिए चारधाम की यात्रा में। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे यमुनोत्री, उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। हम लोग पहली बार ट्राई कर रहे हैं हिचहाइकिंग का, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा हिचहाइकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। वैसे ऑलमोस्ट हमने मैंने पूरा इंडिया ट्रैवल कर चुका हूँ साइकिल में, पर अब हिचहाइकिंग का या कह सकते हो पैदल यात्रा का अनुभव ले रहे हैं। देखते हैं चार धाम का यात्रा कैसा रहता है हमारा। कोई लिफ्ट दे दे, अभी तक तो है नहीं, मतलब हम निकले हुए कुछ एक घंटा हो चुका है पर हमें लिफ्ट अभी तक मिला नहीं है। देखते हैं, वैसे गाड़ी बहुत सारे चल रही है पर हाँ लिफ्ट नहीं मिल रही है। वैसे आप क्या कहना चाहते हो? वैसे मैं हूँ अक्षय पटेल के साथ में, हम दोनों करेंगे चार धाम की यात्रा साथ में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक घंटे इंतजार करने के बाद फाइनली हमें मिल जाता है एक लिफ्ट जो था देहरादून से मसूरी तक लगभग 35 किलोमीटर का। कैसा लगा सर? मैं मसूरी पहुंच चुका हूं, मसूरी। अभी जा रहा है यमुनोत्री के लिए, चलो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग पहुंच चुके हैं मसूरी और हमारा पहला, मतलब इस हिचहाइकिंग जर्नी का पहला लिफ्ट हमें मिला था। और मतलब कितना किलोमीटर का था, कुछ 20 किलोमीटर का। और बस यहां से आगे की ओर निकलना है और यहाँ से यमुनोत्री कुछ 132 किलोमीटर है। देखते हैं अगर लिफ्ट मिलता है लंबा तो आज पहुंच जाएंगे, नहीं तो कल तो पहुंच ही जाएंगे। मसूरी का हाल थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही ठंडा है। वैसे 6000 फीट अल्टीट्यूड में है, ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं है और यहाँ का मौसम ऐसा बना हुआ है। और हम लोग को अभी सेकेंड लिफ्ट मिला नहीं है, देखते हैं कब मिलता है, ठीक है। और हाँ, देहरादून से काफ़ी मतलब उतना ज़्यादा गर्मी जगह नहीं है। देहरादून में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ पे ठीक है। क्या बोलती है, बारिश का मौसम? तो हम लोग पहुँचे थे मसूरी तो मौसम थोड़ा सा ख़राब था, तो हम लोग निकल जाते हैं आगे की ओर। हम दूसरे लिफ्ट के इंतज़ार में थोड़े से आगे चलते रहते हैं, हमें मिल जाता है। हम लोग को मिल चुका है सेकेंड लिफ्ट और हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से यमुना ब्रिज तक। देखते हैं वहाँ तक, अगर पता नहीं ये कहाँ तक जा रहा है पता नहीं है, पर जहाँ तक भी जा रहा है वहीं तक छोड़ देंगे। तो यहाँ के रास्ते ऐसे हैं, कुछ डेंजर से कह सकते हो, उसमें भी अच्छे रोड है नहीं। और यहाँ से नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं, कह सकते हो कि नज़ारे का इंजॉय कर सकते हो आप। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग सेकेंड लिफ्ट जो हमें मिला था वो हमें छोड़ के गई है यमुना ब्रिज के पास में, पास ही हम लोग को ड्रॉप करके गई है। और हम लोग जा रहे हैं अभी यमुनोत्री की ओर। जोर की लग चुकी है भूख,
क्योंकि हम लोग कुछ 12 किलोमीटर का थर्ड लिफ्ट मिला था, तो यहाँ तक हमें ड्रॉप करते गए हैं। पता नहीं है कौन सा जगह है, पता नहीं है, पर वहाँ पे हम बैठ के मतलब यमुना नदी के साइड में ये व्यू पॉइंट है काफ़ी खूबसूरत सा, और यहाँ पे साइड में बैठ के हम लोग चाय पी रहे हैं और यहाँ से आगे की ओर जाएंगे। वैसे भी आज पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे, लगभग लगभग 6 बज चुके हैं शाम के, तो देखते हैं कि कहीं जगह ढूंढ के आज अपना टेंट पिच कर लेते हैं, फिर कल यहाँ से आगे की ओर यात्रा शुरू करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि हम लोग यमुना ब्रिज से थोड़ा थोड़ा आगे की ओर बढ़ ही रहे थे, तो हमें मिलता है थर्ड लिफ्ट हमारा जो था लगभग लगभग 14 किलोमीटर का। 9 बाग तक हम लोग आ जाते हैं, वहाँ पे हम लोग चाय नाश्ता करने के बाद हम सोचते हैं कि आज 9 बाग में ही हम लोग अपना मतलब कैंपिंग करेंगे। जब हम लोग 9 बाग में पहुँचे थे तो शाम हो चुका था, तो हम लोग वहाँ पे चाय नाश्ता कर रहे थे, तो एक ट्रक ड्राइवर आते हैं वहाँ पे चाय पीने के लिए, तो उनसे पूछते हैं कि हम लोग को क्या आप अगर आगे की ओर जा रहे हो तो हमें आगे तक छोड़ सकते हो। उन्होंने बोला क्यों नहीं, आप कहाँ तक जा रहे हो? हम बोले कि जहाँ तक हो सकता है आप लेके जा सकते हो, पर हम लोग जा रहे हैं यमुनोत्री। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग जा रहे हैं बारकोट तक, आपको बारकोट छोड़ देंगे। रात को हम लोग निकल जाते हैं ट्रक ड्राइवर के साथ 9 बाग से बारकोट, लगभग 52 किलोमीटर का राइड था हमारा, और रात के 12 बजे हम लोग पहुँचे थे बारकोट, और बारकोट में एक छोटा सा मतलब घर था, वहीं पे हम लोगों ने रात के वक्त पे कैंपिंग किया था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सेकेंड डे हमारे चार धाम यात्रा की, और हम लोग रुके हुए थे इस एक मतलब घर बन रहा था ऐसी जगह पे रुक गए थे हम, तो हम अब आगे की ओर निकलते हैं। यहाँ से कम अभी भी 60 किलोमीटर है यमुनोत्री, और लगभग लगभग मतलब पैदल यात्रा मिलाकर, तो आज देखते हैं कैसा रहता है हमारा सफ़र। और यहाँ के कुछ नज़ारे ऐसे हैं सुबह के वक्त पे, अभी सुबह के बजे हैं कुछ 6, काफ़ी खूबसूरत, और निकलते हैं देखते हैं, चलते चलते जाते हैं, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा, और हमारा क्या बोलते हैं लिफ्ट भी अगर कोई दे दे तो आगे क्यों निकल। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बारकोट से सुबह के वक्त पे हमें मिल जाता है लिफ्ट सीधा चांद की चट्टी तक। ग्यारह बजे के आसपास हम जानकी चट्टी पहुंच जाते हैं, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि आगे की ओर जाएंगे, मतलब यमुनोत्री तक उसी दिन होके आ जाएंगे, पर बारिश हो जाती है। बारिश होने की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि अगले दिन हम लोग जाएंगे यमुनोत्री। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग हैं अभी जानकी चट्टी और हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, कुछ 5 किलोमीटर का ट्रैक। तो हम लोग थे कल रात को जानकी चट्टी में, और कल हम चले जाते यमुनोत्री उद्गम स्थल में, पर नहीं, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी, और उस बारिश का नतीजा देख सकते हैं आगे, पूरा आइस ही आइस है, मतलब ऊपर बर्फ पड़ चुकी है। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, रोड काफ़ी गीला गीला है अभी तो, और निकल रहे हैं आगे की ओर। हम 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर आ चुके हैं, अब 2.5 किलोमीटर बाकी है।
चार धाम की यात्रा पे है। चल आजा आजा। चार धाम की यात्रा में कुत्ता एक यहाँ पे है, काला कुत्ता। अब माँ यमुनोत्री धाम बस सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया है। हम कुछ 5 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं। वैसे 6 किलोमीटर लगभग है, 5 किलोमीटर लिखा रहता है, पता नहीं। हाँ वैसे उद्गम स्थल तक 6 किलोमीटर है, यमुनोत्री टेम्पल तक 5 किलोमीटर है आई थिंक, मुझे यही लगता है। तो हाँ हम इतना तो आ चुके हैं। और ये आगे का रास्ता है, वैसे रास्ता काफ़ी ठीक है, वैसे कुछ बेकार नहीं है। कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ऐसे करके घूम के इतना तक आना है। और हमारे अक्षय पटेल भाई को पूछते हैं कि कैसा लगा, लग रहा है आपको ये यात्रा? बहुत अच्छा लग रहा है, चार धाम की यात्रा, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, पर ये पहला धाम है आपका? हाँ। मतलब उत्तराखंड में पहला धाम है, क्या कहना चाहते हो? बढ़िया, बस थोड़ा मेरा पेट सही हो जाए, थोड़ा पेट में। हाँ वो बीमार है कल से, तो चलो सब ठीक हो जाएगा। पाप धोने आए हैं, उनका पाप निकल रहा है पेट से। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यमुनोत्री टेम्पल के पास। तो लेडीज एंड जेंटलमैन हम लोग पहुंच चुके हैं, हमने मतलब स्नान भी कर लिया, यहीं पे कुंड है, गरम गरम पानी में हमने नहा लिया। और ये है यमुनोत्री टेम्पल, जो यहाँ पे आसानी से मतलब ज़्यादा तीर्थयात्री है नहीं, तो हम लोग आसानी से मतलब पूजा पाठ कर लिए, अंदर जाके दर्शन कर लिए। और यहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड है, जहाँ पे मतलब चावल छोटे छोटे पैकेट में चावल डालते और वो प्रसाद बना के यहाँ से लेके जाते हैं। और यहाँ पे नीचे है नहाने के लिए, यहीं पे हमने नहाया था और हम लोग आए थे यहाँ से और यहीं की ओर हम निकल जाएंगे। तो हम लोग माँ यमुना के दर्शन करके हम लोग कहाँ जा रहे हैं? गंगोत्री। जय बोल सच्चे दरबार की जय। तो हम लोगों ने पहला धाम कंप्लीट कर लिया, अब जा रहे हैं हम जानकी चट्टी और उसके बाद आगे की ओर बारकोट। बारकोट राइट, बारकोट है ना? या हाँ बारकोट। बारकोट के बाद हम लोग निकलेंगे उत्तरकाशी की ओर। पर हाँ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।